तुला राशि वाले जातक वर्ष के प्रारंभ में मन में नकारात्मक विचारों से बचें, संयत रहें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। 15 जनवरी से रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। नौकरी में इच्छा वृद्ध, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, परिश्रम अधिक रहेगा। 26 फरवरी के बाद भवन सुख में वृद्धि हो सकती है, परंतु पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। 12 अप्रैल के बाद कार्य क्षेत्र में कठिनाई आ सकती है, मन अशांत रहेगा। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, सचेत रहें। खर्चों में वृद्धि होगी। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, धन की प्राप्ति होगी, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। 29 अप्रैल से शैक्षिक और शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। परिवार से अलग रहना पड़ सकता है। आय में कमी आ सकती है। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। 15 जनवरी के बाद नौकरी में कोई अतिरिक्त कार्य मिल सकता है, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। 13 फरवरी से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का सानिध्य मिल सकता है। 12 अप्रैल के बाद से किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। आय का नया साधन बन सकता है। भवन या संपत्ति सुख में वृद्धि भी हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव भी रहेगा। आय में वृद्धि होगी। 29 अप्रैल से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। कार्य में व्यवधान आएंगे। अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी। मित्रों से मतभेद बढ़ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नौकरी में यात्राएं भी अधिक रहेंगी। यात्रा खर्च भी अधिक रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के वर्ष के प्रारंभ में मन अशांत हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। 16 जनवरी से संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। 13 फरवरी के उपरांत नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। स्थान परिवर्तन भी संभव है। 7 मार्च से कारोबार की स्थिति में सुधार होना चाहिए। 12 अप्रैल से शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें, व्यवधान आ सकते हैं। 13 अप्रैल से माता के सुख में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकते हैं। भवन के सौंदर्यकरण के कार्यों में खर्च बढ़ सकते हैं। 29 अप्रैल से शनि की साढ़े साती की समाप्ति होगी। नौकरी में कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, परंतु संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। नौकरी में यात्राएं बढ़ सकती हैं। परिवार का साथ रहेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। चिकित्सीय कार्य में खर्च भी बढ़ सकते हैं।
मकर मकर राशि वाले जातकों के वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु कारोबार में व्यवधान से परेशान हो सकते हैं। 15 जनवरी से धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों से वाद विवाद से बचें। किसी भवन या संपत्ति में निवेश भी कर सकते हैं। 28 फरवरी से संतान के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता पिता का सानिध्य मिलेगा। 7 मार्च के बाद किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 12 अप्रैल से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय में व्यवधान आ सकते हैं। 13 अप्रैल से बृहस्पति अपनी सब राशि में प्रवेश करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। शिक्षा व बौद्धिक कार्यों में व्यवस्था बढ़ जाएगी। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि हो सकती है। 29 अप्रैल को शनि के राशि परिवर्तन से उतरती साढ़े साथी रहेगी। विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के वर्ष के प्रारंभ में मन अशांत रहेगा। लगती हुई साढ़े साथी से खर्च की अधिकता रहेगी। कार्यों में व्यवधान और धैर्यशीलता में कमी रहेगी। 15 जनवरी से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अपने स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 13 फरवरी से स्थिति में सुधार होगा। 27 फरवरी के बाद नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 12 अप्रैल के बाद कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। 13 अप्रैल से बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन की स्थिति में सुधार होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। 29 अप्रैल से शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन संभव है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। 15 जनवरी से धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 27 फरवरी से संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। किसी संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। 7 मार्च के बाद किसी कारोबार में निवेश कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी।